अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। मैं हूँ मियाँ इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। आज 12 अप्रैल 2022 है और इस वक्त मौजूद हैं हम अपने पिकनिक पर काश्त फील्ड के अंदर, जहाँ पे हमने कॉटन और मूंग बीन की सोइंग की हुई है। और अभी इसके अंदर जो है वो पपाया की इंटरक्रॉपिंग हो रही है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन जो है वो ये है कि कपास जो है वो मुकम्मल तौर पे जर्मिनेट हो गई है। ये देखें, कपास जर्मिनेशन तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और साथ ही ये मूंग बीन है। तो मूंग बीन की भी जर्मिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वक्त ना अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन काफ़ी हौसला अफजा है। तो ये प्लॉट जो है ना, हमने अभी रिसेंटली 4 एकड़ का जो है वो पिकनिक पर शिफ्ट किया था और इसके अंदर जो पिकनिक के जो तमाम असूल थे उनको मद्देनज़र रखा गया है। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो लेज़र लेवल किया है। लेज़र लेवल करने के बाद जो है वो हमने इसके अंदर इसका हार्ड पैन तोड़ा है। हार्ड पैन तोड़ने के बाद जो है इसको हमने वॉश किया है और उसके बाद जो है इसके अंदर जो है हमने रेज बेड निकाले। रेज बेड निकालने से पहले जो है वो हमने इसके अंदर मूंग बीन का छट्टा दे दिया था। मूंग बीन का छट्टा देने के बाद जो है हमने इसके रेज बेड निकाले और रेज बेड निकालने के बाद जो है हमने इसके ऊपर एक साइड के ऊपर जो है वो कपास की क्रॉपिंग कर दी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस फील्ड को 1 हफ़्ता होने वाला है इसका प्रोसेस शुरू किए हुए हमें। तो हमने इसको तकरीबन कोई 5-6 अप्रैल को इसके ऊपर काम का आगाज़ किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है कि इसके अंदर जो जर्मिनेशन है मूंग बीन की वो भी हो चुकी है और साथ साथ जो कॉटन की जर्मिनेशन है वो भी इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है इसके अंदर हमने पपाया की क्रॉपिंग की हुई है। तो ये पपाया जो है हमने पपीता जो है वो हमने ये लगाया हुआ है 6 फुट बाई 10 फुट के ऊपर। तो हमने प्लांट टू प्लांट जो फासला इसका रखा है वो 6 फुट है और लाइन से लाइन फासला जो है वो तकरीबन 10 फिट है। तो बहरहाल इसके हवाले से पहली जो हमने वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे दोस्तों के इसके ऊपर कमेंट्स आए हैं कि ये पपाया जो है वो बहुत बड़ा प्लांट हो गया है तो मे बी आगे हमें नुकसान दे। तो बहरहाल क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं था इस हवाले से, हमने पहली दफ़ा ही हम काश्त कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो बाकी जो है जितने भी सीनियर दोस्त हैं उनके मशावरत की और उनकी रहनुमाई की हर वक्त हमें ज़रूरत रहेगी। बहुत शुक्रिया। मियाँ इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से।